I mean what I say, and I say what I mean, and that's what America needs right now. For 4 straight years, I kept America safe, I kept Israel safe, and I kept... Putin and President Xi are salivating at the thought that someone like that could become... Ukraine is not a paragon of democracy. America mein agle saal rashtrapati chunav hona hai. और इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की इस कोशिश में लगे हुए हैं कि अगली सरकार बनने से पहले बाइडेन प्रशासन से जितनी हो सके उतनी सैन्य मदद हासिल कर ली जाए। लेकिन इसके उलट यूक्रेन की मदद को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जमकर राजनीति भी हो रही है। दरअसल विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन में राष्ट्रपति पद के दावेदार और भारतीय मूल के अमेरिकी विवेक रामास्वामी ने यूक्रेन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। विवेक ने यूक्रेन को दी जाने वाली अमेरिकी मदद का विरोध करते हुए कहा है कि यूक्रेन लोकतांत्रिक नहीं है और अमेरिका द्वारा यूक्रेन की मदद के लिए किए गए सभी प्रयास त्रासदी साबित हुए हैं। यूक्रेन इज नॉट ए पैरागॉन ऑफ डेमोक्रेसी। दिस इज ए कंट्री दैट हैज बैन्ड 11 ऑपोजिशन पार्टीज। इट हैज कंसोलिडेटेड ऑल मीडिया इनटू वन स्टेट टीवी मीडिया आर्म। दैट्स नॉट डेमोक्रेटिक। इसके अलावा उन्होंने ज़ेलेंस्की की नाजी का जश्न मनाने के लिए भी आलोचना की है। विवेक रामास्वामी ने अपने बयान में कहा कि ज़ेलेंस्की ने अपने रैंकों में एक नाजी का जश्न मनाया है। कार्गो पैंट में कॉमेडियन ज़ेलेंस्की नामक एक व्यक्ति अपने खुद के रैंकों में ऐसा कर रहा है, वह लोकतांत्रिक नहीं है। इस युद्ध को खत्म करने के लिए हमें एक शांति योजना की जरूरत है। यह वो देश है जिसका राष्ट्रपति पिछले हफ्ते ही अपने ही खेमे में एक नाजी की प्रशंसा कर रहा था। आपको बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी में विवेक रामास्वामी के बढ़ते कद ने रिपब्लिकन के राष्ट्रपति पद की दावेदारी की आस लगाए बैठे निक्की हेली और न्यूजर्सी के गवर्नर क्रिस क्रिस्टाई की दावेदारी को चोट पहुंचाई है। इन दोनों ने ही यूक्रेन को समर्थन देने की वकालत की थी, लेकिन पार्टी के भीतर ही विवेक रामास्वामी यूक्रेन को मदद रोकने की बात कर रहे हैं। I am telling you, Putin and President Xi. वही रिपब्लिकन नेता निकी हेली का मानना है कि यूक्रेन को मदद दी जानी चाहिए, लेकिन उसे सीमित रूप से हथियार दिए जाएं। निकी का कहना है कि अमेरिका को यूक्रेन को नकदी के रूप में मदद नहीं देनी चाहिए, हमें यूक्रेन को उपकरण और गोला बारूद देना चाहिए जिससे वो युद्ध जीत सके। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जहां एक तरफ अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश यूक्रेन की सैन्य मदद को लेकर एकमत है, तो ऐसे में यूक्रेनी मदद को रोकने की बात करना विवेक रामास्वामी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। साथ ही क्या इस तरह के बयानों से वो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा राष्ट्रपति उम्मीदवारी की दावेदारी को पछाड़ पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।